नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बदसूरत जादूगरनी। बदसूरत जादूगरनी, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन दिलीप कदम, मुरलीधर नांगरे, त्रिशूल कॉमिको आर्ट। राजमहल का षड्यंत्र, चंद्रकेतु और मल्लिका व कर्णी का फल में हमने देखा कि देवनगर के राजा राजा विराट सेन की कोई संतान नहीं थी। एक बार जब भगवान शिव और पार्वती देवनगर से गुजरे तो उन्होंने राजा विराट सेन की व्यथा देखकर उन्हें एक पुत्र उत्पन्न होने का वरदान दिया। साथ ही यह भी कहा कि केवल 20 वर्ष के लिए ही वह उन्हें पुत्र दे रहे हैं, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अतः भगवान शिव के अनुरोध पर नागलोक के राजा वासुकी के पुत्र नागेश ने रूप बदलकर महारानी मालविका की कोख से जन्म लिया। राजा विराट सेन ने अपने पुत्र का नाम चंद्रकेतु रखा। एक दिन वन में राजा विराट सेन की मुलाकात पांचाल देश के राजा सूर्य वल्लभ से हुई और बातों बातों में वे अपने पुत्र चंद्रकेतु का विवाह राजा सूर्य वल्लभ की पुत्री मल्लिका से करने का वचन दे बैठे। राजा विराट सेन के दो भाई भी थे, आदित्य सेन और सौमित्र सेन। दोनों हर समय राग रंग में डूबे रहते थे। चंद्रकेतु का जन्म होते ही वे राजा विराट सेन को मारने की योजना बनाने लगे और एक दिन आखेट करने के बहाने राजा विराट सेन को अपने साथ वन में ले गए, फिर वहां उनका वध कर दिया। मंत्री सोमनाथ सौमित्र सेन और आदित्य सेन की चाल समझ गया। उसने उसी समय महारानी मालविका व युवराज चंद्रकेतु को रथ में बैठाकर देवनगर से बाहर भेज दिया। विराट सेन की हत्या के बाद आदित्य सेन देवनगर का राजा बन बैठा। उधर महारानी मालविका पांचाल देश जा पहुंची और एक धनी विधवा ब्राह्मणी के घर उसकी पुत्री बनकर रहने लगी। एक दिन राजा सूर्य वल्लभ ने अपने सेवक को देवनगर भेजा ताकि वह राजा विराट सेन और युवराज चंद्रकेतु की कुशल क्षेम का समाचार ला सके। सूर्य वल्लभ के दूत को आदित्य सेन ने झूठ बोलकर यह विश्वास दिला दिया कि सौमित्र सेन का पुत्र कपिल सेन ही युवराज चंद्रकेतु है। अतः दूत वहां से पांचाल देश लौट गया। जब कपिल सेन जवान हो गया तो उसकी बारात नियत समय पर पांचाल देश जा पहुंची, लेकिन मल्लिका ब्राह्मणी के घर पलकर जवान हुए मालविका के पुत्र चंद्रकेतु से विवाह करना चाहती थी। अतः ठीक विवाह के दिन राजकुमारी मल्लिका चंद्रकेतु के साथ राजमहल छोड़कर चली गई। अब राजा सूर्य वल्लभ के सामने यह समस्या आई कि अपने राज्य में आई हुई बारात को कैसे वापस भेजें। अंत में काफ़ी सोच विचार करने के पश्चात उन्होंने दासी कनक को राजकुमारी मल्लिका के वस्त्र पहनकर वधु बनने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने दासी कनक को कड़ा निर्देश दिया कि विवाह के पश्चात देवनगर जाने पर वह इस भेद को कभी नहीं खोलेगी कि वह राजकुमारी मल्लिका ना होकर दासी कनक है। इधर चंद्रकेतु और मल्लिका अपने घोड़ों पर सरपट दौड़ाते हुए एक वृद्धा के मकान के बाहर रुके। वृद्धा से जब उन्होंने रात गुजारने के लिए आश्रय मांगा तो उसने खुशी खुशी आश्रय दे दिया। दरअसल वह वृद्धा एक ठगनी थी। उसका पति व उसके 6 पुत्र ठगी का काम करते थे। जैसे ही चंद्रकेतु को असलियत पता लगी वह वहां से भाग निकला। ठग ने अपने 6 बेटों के साथ उसका पीछा किया, लेकिन चंद्रकेतु ने उसके 6 बेटों को मार डाला और जब ठग पिता को मारना चाहा तो उसने उसकी प्रार्थना पर उसे जीवन दान दे दिया और फिर उसे साथ लेकर आगे चल पड़ा। लेकिन चंद्रकेतु इस बात से अनभिज्ञ था कि ठग पिता उससे बदला लेने के चक्कर में था। अतः मौका मिलते ही उसने चंद्रकेतु को एक सरोवर में डुबोकर मार डाला और मल्लिका को साथ लेकर वापस अपने घर की ओर लौट पड़ा। वापस लौटते समय मल्लिका ने चालाकी से काम लेकर ठग पिता को एक गड्ढे में धकेल दिया और वापस सरोवर के किनारे जा पहुंची। फिर सरोवर के किनारे तैरती पति की लाश को बाहर निकाल उसे गोद में लेकर विलाप करने लगी। उधर वासुकी का पुत्र नागेश, जिसने चंद्रकेतु के रूप में जन्म लिया था, अपने 20 वर्ष पूरे होने के पश्चात वापस पाताल लोक लौट गया था। वहाँ उसी दिन उसकी शादी हो गई। शादी में शिव पार्वती भी आए। जब वे वापस लौटने लगे तो उसी मार्ग से होकर गुजरे जहाँ मल्लिका अपने पति चंद्रकेतु की लाश गोद में लिए आंसू बहा रही थी। पार्वती की जिद पर शिवजी जी चंद्रकेतु को पुनः जीवन दान देने के लिए पाताल लोक में वासुकी के पास गए और उनसे उनके पुत्र नागेश को 5 साल के लिए पुनः चंद्रकेतु को जीवन देने के लिए मांग लाए। तब मल्लिका अपने पति को जीवित पाकर प्रसन्न हो उठी और शिव पार्वती जी की कृतज्ञ हो उठी। फिर वे दोनों वापस पांचाल देश की तरफ लौट पड़े। रास्ते में चंद्रकेतु ने मल्लिका को बताया कि वही देवनगर का असली चंद्रकेतु है,
जिससे उसका विवाह बचपन में तय हो गया था। चलते चलते वे दोनों किरणगढ़ राज्य के नज़दीक पहुँचे। चंद्रकेतु के कहने पर राजकुमारी मल्लिका ने किरणगढ़ में प्रविष्ट होने से पहले पुरुष वेश धारण कर लिया। अब आगे किरणगढ़ राज्य में पहुंचकर वे एक सराय में पहुंचे। हमें एक दिन ठहरने के लिए एक कमरा चाहिए। कमरा मिल जाएगा, लेकिन कमरे के लिए किराए के रूप में तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। मंजूर है। सराय की मालकिन को चंद्रकेतु ने 2 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। तब उसने चंद्रकेतु और मल्लिका के लिए सराय का एक कमरा खोल दिया। कमरे में पहुंचकर दोनों ने कुछ देर आराम किया। उसके बाद, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। ठीक है, मैं अभी नगर में जाकर कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ। इतना कहकर चंद्रकेतु कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाजार में पहुंचा, अरे राहगीर, कहाँ जा रहा है? जाते जाते कमली तमोलन की दुकान का मशहूर पान का बीड़ा तो खाता जा। आवाज़ सुनकर चंद्रकेतु ने पीछे मुड़कर देखा। मैं तुम्हें ही बुला रही हूँ राहगीर, जरा इधर तो आओ। चंद्रकेतु वापस मुड़कर कमली तमोलन की दुकान पर जा पहुंचा। राहगीर, अगर जेब में पैसे नहीं हैं तो भी एक बीड़ा मुफ्त ही खाते जाओ। मैं तुमसे बीड़े के पैसे नहीं लूंगी। मैं कोई भिकमंगा हूँ जो मुफ्त में तेरा पान का बीड़ा खाऊं? चल, लगा पान के 2 बीड़े। कमली तमोलन पान लगाने लगी। अगर मैं इस नौजवान को अपने वश में कर लूं तो ठीक रहेगा। इसको अपने वश में करने के पश्चात मैं इसे अपने साथ विवाह करने के लिए मजबूर कर दूंगी। मैंने आज तक इतना सुंदर नौजवान नहीं देखा। दरअसल कमली तमोलन एक जादूगरनी थी। वह लोगों को अपने जादू में फंसाकर उन्हें मारकर खा जाया करती थी। कमली तमोलन ने बीड़ी लगाकर चंद्रकेतु की ओर बढ़ाए। लो, बीड़े तैयार हैं। जैसे ही चंद्रकेतु ने पान के बीड़े लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अरे यह क्या कर रही हो? छोड़ो मेरा हाथ। यह हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। फिर इससे पहले कि चंद्रकेतु कुछ समझ पाता, अरे यह क्या कर रही हो? धागा बनते ही, हा हा हा, अब तू मेरे चंगुल में फंस चुका है। अब तुझे मेरे जाल में से कोई नहीं निकाल सकता। फिर कमली ने दुकान से नीचे उतरकर बकरा बने चंद्रकेतु के गले में रस्सी बांध दी। तभी, अरे कोई मुझे इस जादूगरनी से बचाओ, इसने मुझे बकरा बना दिया है। ओह, इस प्रकार से तो यह बकरा मुझे पकड़वा देगा, अतः मुझे इसका मुंह बांध देना चाहिए। और कमली ने बकरे के मुंह को रस्सी से बांध दिया। बकरा बना चंद्रकेतु बुरी तरह परेशान हो उठा। यह मैं किस मुसीबत में आ फंसा? सराय में मल्लिका मेरी राह देख रही होगी, अब मैं क्या करूं? उधर जब चंद्रकेतु को सराय से गए हुए काफ़ी समय बीत गया, चंद्रकेतु अभी तक खाना लेकर वापस नहीं लौटा। कहीं वह सराय का रास्ता तो नहीं भूल गया? मुझे नगर में जाकर चंद्रकेतु की खोज करनी चाहिए। यह सोचकर मल्लिका अपने कमरे से बाहर निकल आई। फिर वह जैसे ही सराय के दरवाजे पर पहुंची, क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। तुम्हारा साथी कहाँ है? उसी की वजह से तो मैं परेशान हूँ। कई घंटे पहले वह खाना लाने के लिए बाजार की ओर गया था और अभी तक वापस नहीं लौटा है। अरे बेटा, तू तो ऐसे घबरा रहा है जैसे लड़कियाँ घबराती हैं। अरे तेरा साथी कोई बच्चा थोड़ी है जो सराय की राह भूल गया होगा। हो सकता है बाजार में उसे कोई जान पहचान का आदमी मिल गया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर मल्लिका सराय से बाहर निकल गई। मल्लिका ने चंद्रकेतु को बाजार में खूब ढूंढा, पर वह उसे कहीं नहीं मिला। हे भगवान, यह तूने क्या किया? मेरे पति को मुझसे क्यों अलग कर दिया? इधर मल्लिका चंद्रकेतु की तलाश में भटक रही थी और उधर पूरा दिन बीत गया है। सारा दिन यह बकरा इसी प्रकार भूखा प्यासा रहा है, अतः मुझे इसके मुंह की रस्सी खोलकर इसे खाना खिलाना चाहिए। अतः कमली तमोलन ने बकरे के मुंह पर बंधी रस्सी खोली और उसके आगे रोटियां डाल दी। चंद्रकेतु भूखा तो था ही, अतः बिना कुछ बोले रोटियां खाने लगा। अभी चंद्रकेतु रोटियां खा ही रहा था कि मल्लिका उसे ढूंढती हुई उधर ही आ निकली। उसे देखकर चंद्रकेतु ने रोटियां खानी छोड़कर उसे आवाज़ लगाई, मल्लिका, ओ मल्लिका, मैं यहाँ हूँ। ओह, इसका मुंह खोलकर तो मैंने ठीक नहीं किया। कमली ने आव देखा न था और झटपट बकरे के मुंह पर रस्सी लपेट दी। इधर अपना नाम सुनकर मल्लिका ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। आवाज़ तो चंद्रकेतु की ही थी, पर आवाज़ देकर वह छिप कहाँ गया?
कहीं वह किसी संकट में तो नहीं है? मुझे उस स्त्री के पास चलकर मालूम करना चाहिए, क्या पता उसने चंद्र केतु को देखा हो। बहन, अभी अभी मेरे एक साथी ने मुझे आवाज़ दी थी, क्या तुमने उसे यहाँ आसपास कहीं देखा है? तुम्हें भ्रम हुआ है भाई, यहाँ तो मेरे और इस बकरे के अलावा और कोई नहीं है। कमले की बात सुनकर मल्लिका को बहुत निराशा हुई और वह परेशान सी आगे बढ़ गई और थोड़ी देर बाद हार थक कर वापस सराय में लौट आई। अब मैं क्या करूँ, चंद्रकेतु को इस राज्य में अकेला छोड़कर अपने देश तो जा नहीं सकती, अतः मुझे इसी नगर में रहकर चंद्रकेतु की तलाश करनी चाहिए, क्या पता मेरी तलाश सफल ही हो जाए। अंततः मल्लिका उसी सराय में रहने लगी। वह प्रतिदिन सुबह ही चंद्रकेतु की खोज में जाती और रात होने पर निराश होकर लौट आती। अब तो मेरे पास का सारा धन समाप्त हो गया है, अब गुजारा कैसे होगा? मुझे राज दरबार में जाकर यहाँ के राजा से कोई नौकरी मांगनी चाहिए। और मल्लिका दूसरे ही दिन किरणगढ़ के राजा कुंदन शाह के दरबार में जा पहुँची। कहो युवक, तुम्हारी क्या फरियाद है? महाराज, मैं बेरोजगार हूँ और आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। तुम्हें नौकरी चाहिए? ठीक है, आज से तुम्हें हम अपनी सेना में शामिल करते हैं। महाराज की जय हो, मैं तन मन से राज्य की सेवा करूँगा। इस तरह मल्लिका सैनिक बनकर राजा कुंदन शाह की सेना में कार्य करने लगी। एक दिन जब वह किसी कार्यवश महल में गई, अरे चंपा, वह सजीला युवक कौन है? अभी पता लगा कर आती हूँ राजकुमारी जी। युवक, तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है? मैं महाराज कुंदन शाह की सेना में सैनिक हूँ और मेरा नाम मल्लिका अर्जुन है। मल्लिका का परिचय पाकर चंपा वापस राजकुमारी अलका के पास पहुँची और उसे मल्लिका के बारे में बताया। क्या बात है राजकुमारी जी, आपने जब से मल्लिका अर्जुन को देखा है आप कुछ खोई खोई सी हैं, कहीं आपको उससे प्रेम तो नहीं हो गया है? हट पगली, क्या बक रही है? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।